भावसर विजय इंडिया ने नवागत अध्यक्ष उपाध्यक्ष और कार्यकारिणी की शपथ विधि का आयोजन किया, जहां समाज के पदाधिकारी ने बताया कि समाज की महिला सशक्तिकरण के संकल्प के साथ संस्था 2013 से संचालित हो रही है। संस्था के माध्यम से समाज को नई गतिविधियां और समाज को किसी भी प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर लगातार संस्था द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। आयोजन के दौरान कोरोना काल में जिन लोगों की मौत हुई उन्हें समाज के लोगों ने श्रद्धांजलि दी। इंदौर से सतीश शर्मा और देवेंद्र खन्ना की रिपोर्ट। आज हमारे भावसर विजन का शपथ विधि समारोह है, इसमें हम लोग आप सभी लोग एक ही वेशभूषा में दिखाई दे रहे हैं, क्या मुख्य उद्देश्य इस थीम का, क्या उद्देश्य है? ये कि हम सब एक हैं। और वैसे मैंने अभी अपना रोड मैप नहीं बनाया है, मैं अपनी आज मेरी पीओडी अभी से मैंने अपना कुछ विशेष उद्देश्य नहीं बनाया है। इस बार वोट पूरी तरह से महिलाएं हैं, पुरुष नहीं है जी, तो क्या उनको किस तरह से आती भी नहीं है, डरती है। मैं जबरदस्ती नहीं, आप अपने को भी आगे बढ़ाए, के रूप में अपनी पूर्ण क्षमता एवं निष्ठा के साथ अपने कार्यालय के सभी कर्तव्यों को पूर्ण करने का वचन देती हूँ। भावसार विजन इंडिया इंडोर क्लब के सचिव के रूप में अपनी पूर्ण क्षमता एवं निष्ठा के साथ अपने कार्यालय के सभी कर्तव्यों को पूर्ण करने का वचन देती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।